को लग रहा है जैसे इजिली एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं रॉबिनहुड आर्मी के रॉबिन से, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और रॉबिनहुड आर्मी काम कैसे करती है, ये एक एनजीओ है जिसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं होता, ना किसी से पैसे लिए जाते हैं ना किसी को दिए जाते हैं। जो रॉबिन्स होते हैं वो अपनी सेवा भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और साथ ही किसी से मनी नहीं ली जाती या कोई पैसा नहीं लिया जाता कि हमें कोई डोनेट करना है। हम कंपनी से, रेस्टोरेंट से या किसी शादी में खाना बच गया है वहाँ से खाना लेते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से उनसे खाना लेते हैं, और गरीब लोगों में, झुग्गियों में और रेड लाइट्स पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अभी हम मैं आपको सारे रॉबिन से मिलाऊंगा और रॉबिनहुड आर्मी काम कैसे करती है ये सारा प्रोसेस आपको। तो दोस्तों, यहाँ रॉबिन्स आ चुके हैं और फूड भी आ गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई बिस्कुट के पैकेट आ रहे हैं पार्ले के सब पे। हाय गाइस, नीचे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कार्टून, इसमें से बिस्किट निकाल के पार्ले जी के, ये भी कहीं से डोनेट आए। ये फूड भी आ गया है, रॉबिन्स भी आ गए हैं, और ये आ गया मेरा गौरव भाई। और अभी ब्रीफिंग के लिए चलते हैं और शिवम भाई ब्रीफिंग देंगे, और ये हमारा ईस्ट दिल्ली का चैप्टर है, और दिल्ली में और भी चैप्टर चलते हैं। फिलहाल हम ईस्ट दिल्ली में हैं, ईस्ट दिल्ली में कहाँ कहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों के कुछ बेसिक रूल्स आप लोगों को बता दिए गए थे, जैसे कि रॉबिनहुड आर्मी एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में ना किसी से डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं ना ही किसी को कुछ देते हैं। इसके अलावा दो रूल्स और बताए गए होंगे कि हम लोग ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना ही किसी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ताकि हर इसमें इक्वालिटी बनी रहे। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं हम लोग सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुआ था 2014 में, ठीक है, जहाँ पर 4 से 5 लोगों के ग्रुप ने एक कोशिश करी थी कि रेस्टोरेंट्स को हम लोग अप्रोच करेंगे, एंड जितना उनके पास खाना बच जाता है, जो रात को फेंक देते हैं, कल यूज़ नहीं कर पाते, उसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिस हम लोगों की आज भी चलती आ रही है, अभी भी हम लोगों की डेली लेवल पर नाइट ड्राइव होती है, तो अगर आप में से कोई रात को भी बाहर निकल सकता है तो वो वाली ड्राइव हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी भी हमारी इस टाइम 3 लोकेशंस पर नाइट ड्राइव चल रही है, 1 इज इन लक्ष्मी नगर, 2nd इज इन यमुना विहार, एंड 3rd इज इन शाहजहाँ। तो इस एरिया के नियर बाय अगर कोई भी रहता है तो राइट नाइट ड्राइव भी कर सकता है, एंड वहाँ पर जितने भी डोनर्स हैं उनका जो भी खाना वही बच जा रहा है जो नेक्स्ट डे वो यूज़ नहीं करते, वो हमें देते हैं 50-60 जो भी क्वान्टिटी तो बचते, समोसे, ढोकला, कुछ ना कुछ, जो हम रात को जो पहले पे डिस्टेंस होते हैं, जो लोग सो रहे होते हैं उनको मे भी शायद खाना ना मिला हो, उनको हम लोग बांटते हैं। उसके अलावा हम लोगों की ये संडे ड्राइव भी रहती है, जो हर संडे हम लोग की रहती है। यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 फिक्स डोनर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पाइस एंड आइस लॉन्ज है, ठीक है, बीबी की कंपनी है घर वो भी दिल्ली वाला, इसके अलावा बीकानेर रसोई है शाद गार्डन में, एंड कुछ प्राइवेट डोनर्स भी है जो हम लोगों को मिलकर अलग अलग क्वांटिटी में फूड देते हैं, और टोटल क्वांटिटी हमारे पास कभी 800, 1000, 500 ऐसे रहती है हर संडे को, जो हम अलग अलग क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। ये जो प्रोसेस हमारा जो चैप्टर के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ ये सिर्फ ईस्ट दिल्ली का है, वरना ये प्रोसेसेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया चलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, एंड दिल्ली में भी 13 चैप्टर्स अलग अलग, जैसे ईस्ट दिल्ली एक चैप्टर है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, तो सारे अलग अलग चैप्टर्स में ही वीकली ड्राइव चलती रहती हैं। हम लोगों के डोनर्स एंड सारी चीज़ें जो है अलग रहती हैं, एंड अगर आप लोग कभी यहाँ से रिलोकेट करते हो किसी और एरिया में भी तो आप मेरे को बता सकते हो, ताकि मैं वहाँ के जो भी POC होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, एंड वहाँ पे भी आप लोग जो ड्राइव है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर जो हम सब क्लस्टर्स कवर कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली में, बस फर्स्ट जो हमारा कटकडूमा कोर्ट के पास है, 2nd हमारा दयानंद विहार में है, उसके बाद हमारा ITO मयूर विहार, IT एक्सटेंशन खिचड़ीपुर, एंड गीता कॉलोनी। आप लोगों को अगर कोई ऐसे क्लस्टर्स पता है जो आसपास है जहाँ पर खाने की नीड हो एंड हम लोग उसको कवर नहीं कर पा रहे या फिर हम लोगों को नहीं पता जिसके बारे में, तो आप लोग हमें सजेशंस भी दे सकते हो कि हमें यहाँ पर कवर करना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको नीड हो सकती है खाने की, तो हम लोग उस एरिया को भी एक्सपेंड करते रहते हैं। हम लोग मतलब सर्च करते रहते हैं, जहाँ पर भी नीड होगी हम वहाँ पर खाना और एक्स्ट्रा देते थे। इसके अलावा कहीं पर जैसे इमरजेंसी होती है, जैसे अभी बाढ़ आई थी
तो फ्लाई ओवर्स के पास जितने भी लोग हैं सबको गवर्नमेंट ने ऊपर कर दिया था एंड वहाँ पर नीचे एरिया सारा बैन कर दिया था, कर दिया था। तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने उनको डेली खाना पहुँचाने का ट्राई करा था। तो ऐसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में आपको पता चलता है, फिर भी बीच में होता है मौजपुर के पास एक बस्ती में आग लग गई तो वहाँ पर भी हम लोगों ने खाना पहुँचाया। तो अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में आपको पता लगता है तो आप लोग ग्रुप में या फिर किसी भी एडमिन को ग्रुप के पर्सनल टेक्स्ट करके उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो ताकि हम लोग उनके लिए भी खाना अलग अलग लेवल पर हम लोग अरेंज कर दें। इसके अलावा आप लोग जो फर्स्ट ड्राइव है आप ड्राइव अटेंड करो ड्राइव। तो भाई हमारी ब्रीफिंग हो चुकी है नए वॉलंटियर के साथ जो आज ज्वाइन करेंगे। अगर आपको भी कोई फूड डोनेट करना है या कोई कपड़े या सर्दी में कंबल वगैरह तो आप डोनेट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, रॉबिन हुड आर्मी की साइट मिल जाएगी, आप वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करके आप डोनेट कर सकते हैं। ये हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं जो अभी टीम बन के निकाले जाएंगे दिल्ली में। चल जाओ आई टी कहाँ जा रहे हो? ये हमारे नॉबिंग फूड ले लेके निकल रहे हैं। ये लोग ये भाई लाया कार्टून बहुत सारे पार्ले जी, कितने लाया भाई? लाए चार तीन सात सात कार्टून। और तो चलिए दोस्तों हम भी अपनी ड्राइव के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये फेस वन यमुना खादर है। यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं खेती करते हैं, अब इन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा खाना एक दिन के लिए मिल जाता है और थोड़ी खुशी। अब हम आपको बच्चों से मिलाएंगे। ये हमारे सारे रॉबिन्स आ चुके हैं और यहाँ पर हम जो जो वहाँ फूड आया हुआ था जो आपके घर में अनयूज कपड़े होते हैं जो आप पहनते नहीं हैं वो साफ़ सुथरे हों लेकिन फटे पुराने ना हों और आप डोनेट कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे आके डोनेट करते हैं लोगों के काम आते हैं, आपके नहीं तो किसी और के काम आएंगे।
आज की ड्राइव हमने कंप्लीट कर ली है और किस तरह से ड्राइव कंडक्ट होती है, मैनेज होती है, किस तरह से लोगों को फूड बांटा जाता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और आपको अगर ज्वाइन होना है रॉबिनहुड आर्मी में तो आप robinhoodarmy.com पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई हमारे गौरव भाई का बर्थडे आज और यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी देख लो। चलो दिखाते हैं आपको, और केक आया है। हमने रॉबिनहुड आर्मी का इस डेली चैप्टर आपको दिखाया कि यह कैसे काम करता है। आपको वीडियो कैसे लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपसे RHA या रॉबिनहुड आर्मी के नाम से कोई कैश डोनेशन मांगता है तो वो सरासर फ्रॉड होगा, क्योंकि RHA कभी कैश नहीं लेती, ओनली आपसे फूड लेती है कि आप फूड दीजिए जिसे हम डोनेट करें।